हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम लीफ कंपोस्ट किस तरह से बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बोरी, ये तेंदू पत्ता है जो मैंने लाए हैं, जो बीड़ी बनाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनसे मैंने कलेक्ट किया है। और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो अगर डिकम्पोज हो जाए तो सॉइल को काफ़ी न्यूट्रिशन रिच बनाते हैं। तो मैंने एक थ्री आपको टाइप्स दूंगा कि आपको किस तरह से आप बना सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर आपके पास ऐसा कोई प्लास्टिक ड्रम हो बहुत बड़ा वाला, जैसे मेरे पास वो वाला है, तो आप कबाड़ी से भी ला सकते हैं। या अगर घर में एक टूटा फूटा प्लास्टिक ड्रम हो ऑलरेडी और आपको कबाड़ी में बेचने से ज़्यादा अगर कहीं यूज़फुल लगता है, तो उसमें ये जो लीफ आपके कहीं कलेक्ट करेंगे किसी भी तरीके के, तो ये सारे लीव्स आप उसमें डालेंगे। और वहाँ पे थोड़ी सी दही डाल सकते हैं आप पानी मिलाकर, या 1 किलो यूरिया ले आइए, उसको पानी में घुलाइए 1 बाल्टी, और थोड़े थोड़े टाइम बाद वहाँ मतलब उस लीव्स में वो पानी डालते रहिए। उससे क्या होगा कि उसमें जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, तो डिकम्पोजिशन होने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है नाइट्रोजन इनको डिकम्पोज होने के लिए, वो नाइट्रोजन उस यूरिया की वजह से इनको मिल जाएगा। हालांकि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, बट ये केमिकल्स की वजह से वहाँ जो माइक्रोबैक्टीरिया होने चाहिए थे उन लीव्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो वो होंगे नहीं, और मतलब ये बस केमिकल के वजह से ब्रेक डाउन होगा। तो ये वाली टेक्निक तब काम आती है जब किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे ऑर्गेनिक चाहिए प्योरली या बस केमिकल कोई भी डालो और मेरा प्लांट ग्रो हो जाए। तो इस तरीके के जो मतलब ग्रुप हैं पीपल्स का, उनके लिए वो ठीक है। हम इस वीडियो में तीनों जो लीव्स के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिकम्पोज करेंगे। तो पहला तो बता दिया मैंने, ये ड्रम वाला। दूसरा, में ये जो पॉलीथीन से मैंने लाई है, इनमें ये जो लीव्स है वो डाल के स्टेप बाय स्टेप एक मेथड बताऊंगा, उसी तरीके से आपको भी करना है। और इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 6 महीने से लेकर 12 महीने 18 महीने तक भी लगते हैं, अगर आप उसको मतलब अच्छे छाव वाले जगह पे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, उस वजह से वो गीला रहता है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस जल्दी होती है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। मेरे पास ये बहुत बड़ी पॉलीथीन है जो मैंने मार्केट से 25 रुपये की एक लाई है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपको 20 रुपये या 15 रुपये में पड़ जाएगी। ऐसे यहाँ से ये जो पॉलीथीन है इसमें अब मैं पत्तियाँ डालूँगा, और ऐसे मैं 2 बैग्स में, तो ऐसे स्टेप नंबर 1 में इस बैग में मैं वहाँ की पत्तियाँ डालूँगा, और एक यहाँ पे पॉलीथीन लूँगा, उसमें भी इक्वल क्वांटिटी में वो पत्तियाँ डालूँगा। तो ये मैंने 2 बोरियों में मतलब उन प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में थोड़ा थोड़ा, तो ये मैंने प्लास्टिक की बोरियों में जो पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी वो डाली हैं। और इन दोनों को अब ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप डायरेक्ट इन पे ना आती हो, मतलब सेमी सनलाइट टाइप एनवायरनमेंट में रखें। अब इन एक में मैं यूरिया डालूँगा, और एक में मैं सिंपल जो अपनी ताक होती है दही से बनी और मेरे पास गुड़ है वो डालूँगा। तो ये है यूरिया जो मैं एक में डालने वाला हूँ, अब इस यूरिया में मैं ये पानी डालूँगा। और कुछ टाइम तक इसको घुलने के लिए रख दूंगा। वैसे ही इस दूसरे डब्बे में मैं पानी डालूंगा, उसमें गुड़ और जो मैंने दही लाई है वो डालूंगा।
तो ये दही और गुड़, आप इसे कुछ देर के लिए घुलने तक रख दीजिएगा। और ये दही, और ये दही, एक में यूरिया और एक में दही और गुड़। तो एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक, तो हम इन दोनों को अलग अलग उन पॉलीथिन्स में डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। इसमें यूरिया डालूंगा जो मैंने मिक्स किया है, और दूसरे में ये दही डाल दूंगा। अब बारी है इन दोनों को बंद करने की। मेरे पास घर का कुछ किचन वेस्ट भी था जो मैंने थोड़े देर के लिए जमा करके रखा था इसमें डालने के लिए, और ऑर्गेनिक वाले एरिया में मैंने ये थोड़ा सा किचन वेस्ट डाला है। आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद ओपन करते रहिए, पानी डालते रहिए, फिर से किसी धागे या इसको बंद करके रखिए। आपको ये हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है दोनों में। आप चाहे तो इसमें आधी आधी बाल्टी पानी और डाल सकते हैं, दोनों दोनों पॉलीथिन्स में डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगा और इन्हें बंद कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर 3 महीने के बाद इन दोनों का क्या रिज़ल्ट आता है और कौन सा जल्दी ज़्यादा डिकम्पोज होता है और फंगस वहाँ पे ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैं वहाँ पे गुड़ और ताक डाली है। यहाँ माइक्रोबैक्टीरिया उतने नहीं पनपेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पे यूरिया डाला है और वो माइक्रोबैक्टीरियाज को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको मार देता है। तो सी यू 3 महीने बाद, हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिनको भी ज़रूरत हो उनको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।